नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका टाइटल है वर्णमाला। तो आइए आज पढ़ते हैं वर्णमाला। चार पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, चारों पॉइंट लिख लीजिए कॉपी में और अब मैंने समझाता हूँ। पहला पॉइंट है वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। जो वर्ण होता है आपका, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला पॉइंट, इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। जो वर्ण होगा आपका, वो तोड़ा नहीं जा सकता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। जो भी ध्वनि होती है, जो भी आप बोलते हैं, अगर उसे लिख दिया जाए तो वो आपका वर्ण कहलाता है। और वर्ण का उच्चारित रूप ही ध्वनि है। जो भी आपका वर्ण लिखा है, अगर आप उसे बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो वो आपकी ध्वनि बन जाती है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, साथ साथ लिखते रहिएगा। तो अब देखते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं वर्णमाला होती क्या है। तो छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लीजिए साथ में। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो भी आपके वर्ण होते हैं, वो एक व्यवस्थित क्रम में लगाए जाते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में ही पढ़े जाते हैं, उन्हीं को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो आइए आप देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या पर बहुत तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, सारे क्वेश्चंस को लिखिए और याद कर लीजिए। कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चंस की भाषा समझनी होगी कि वो पूछ क्या रहा है। प्रामाणिक संख्या है, लेखन के आधार पर है या उच्चारण के आधार पर है। तो चलिए देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यह आपकी हो जाएगी 47। देखते हैं अगला प्रश्न, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या पूछता है। तो यह आपकी हो जाएगी 55। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगर पूछता है वर्णों की प्रामाणिक संख्या कितनी है। भाषा जरूर देख लीजिएगा पेपर में कि क्या लिख के दे रहा है, उसी हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो अगर बात करते हैं प्रामाणिक संख्या की, तो यह आपकी हो जाएगी 52। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए अब बात करते हैं स्वरों की कुल संख्या पर। तो स्वरों की जो कुल संख्या होती है, वो आपकी हो जाएगी 11। तो अब देखते हैं स्वर होते क्या हैं। स्वरों की परिभाषा लिख लीजिएगा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सके, स्वर कहलाते हैं आपके। इनको किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है उच्चारण करने में। और वहीं बात करें हम लोग व्यंजन की, तो जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, इन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए, तो ये आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब पूछ देता है व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी हो जाएगी 33। अब देखते हैं कि सहायता इनको लेनी कैसे पड़ती है। तो जैसे कि हमारा एक व्यंजन लिखा हुआ है क, और नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब ये अपने आप में एक पूरा वर्ड नहीं है। तो जब इसमें हम एक स्वर लगा देंगे आ, तब ये जाके एक व्यंजन बनेगा का। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं वर्गों की संख्या। तो वर्णमाला में आपके जो वर्ग होते हैं, वे होते हैं 5। और 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन हर प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड आ जाते हैं आपके, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। इसी क्रम में आप लोग लिख लीजिएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन प्रत्येक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, किस अंग से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं का वर्ग का। तो चलिए अब देखते हैं, जो आपका का वर्ग होता है, उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ से। का वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं, का, खा, गा, घा, इंग्या, तो ये सब कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से। आप लोग बोल के देख लेना, परीक्षा में जो प्रश्न दिया गया हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
च वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। बोल के देख रहे हैं ना, पा फा बा भा मा, तो इनको बोलने में ओंठ एक दूसरे में लग रहे हैं आपस में, तो इसका उच्चारण स्थान ओंठ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग बोल के देख लेना, समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, इसमें लिख जरूर लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो। तो अब देखते हैं और कुछ वर्ड। तो आपके जो ये 25 वर्ड हैं पांचों वर्गों के, इन 25 वर्डों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें से जो च वर्ग के जितने भी वर्ड हैं पांच, इन लोग इन्हें कहते हैं हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर परीक्षा में पूछ देता है इन पांचों वर्ड में से कोई एक वर्ड देकर कि इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो आपको च वर्ग के ही ऑप्शन में ढूंढने हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। तो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन दोनों से परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे, या र ला वा, और ऊष्म व्यंजन शा 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 और हा, तीनों सा और हा, ये आपके हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन। जब आप बोलते हैं शा 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 हा बोल के देखिए, तो आपके मुंह से भाप निकलती है, तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकली देख लीजिए, लिया कीजिए, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो अब देखते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस। तो अगर कभी परीक्षा में आप लोगों से पूछ लेता है कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखे आ रहे हैं डा और ढा, ये दोनों हो जाएंगे आपके द्विगुण व्यंजन। इनसे भी काफ़ी प्रश्न निकलते हैं परीक्षा में। अब देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब बात करते हैं सघोष और अघोष पे। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड जो होते हैं वो आपके अघोष होते हैं, और तीसरे चौथे पांचवें आपके सघोष। देखिए सघोष और इन्हें ही घोष भी कहते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर सघोष देके पूछता है तो भी यही होंगे, और घोष देके पूछता है तो भी यही हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो नीचे तीन वर्ड अलग से दिए गए हैं, शा शा शा, तो ये तीनों सा जो आते हैं वो आपके अघोष में आ जाएंगे, और हा जो है वो आपका सघोष हो जाएगा, और अंतस्थ व्यंजन जो भी आपके हैं यार अलावा, ये भी आपके सघोष या घोष में आ जाते हैं। तो अब देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग के जो पहले तीसरे और पांचवें वर्ड होते हैं वो आपके अल्पप्राण होते हैं, और दूसरे और चौथे जो वर्ड होंगे वो आपके महाप्राण में आ जाएंगे, और जो यार अलावा हैं ये भी आपके अल्पप्राण में आते हैं, और जो श श श हा उस व्यंजन जो है वो आपके महाप्राण में आते हैं। इसके अलावा अल्पप्राण में सभी स्वर और अनुस्वार, और जो द्विगुण व्यंजन का एक वर्ड जो है डा, वो आ जाएगा आपका अल्पप्राण में, और महाप्राण में विसर्ग और द्विगुण व्यंजन का जो दूसरा वर्ड था डा, वो आ जाएगा आपका महाप्राण में। तो देखिए, इसको एक पहचानने की ट्रिक और है अल्पप्राण और महाप्राण की। वह ट्रिक क्या है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अल्पप्राण में लिखा है का, तो का को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के और ए, और इधर देखते हैं लिखा है खा, तो खा को लिखेंगे के एच ए, तो जिसमें एच जुड़ जाए वो आपका हो जाएगा महाप्राण, और जैसे देखते हैं गा तो जी ए, और घा जी एच ए, तो इस प्रकार इसमें एच जुड़े वो आपका महाप्राण हो जाएगा, और जो नॉर्मल रहे वो आपका अल्पप्राण हो जाएगा। लेकिन जो इसमें ये वाला सा है जिस पर मैंने गोला कर दिया है, इसमें आपका एच नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये महाप्राण का ही हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और वर्णमाला की एक वीडियो अभी और दूंगा जिसमें मैं आपको वर्णमाला के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और सब्सक्राइब खुद भी कीजिए जिससे आप जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहें। आज की पूरी वीडियो में आप लोगों ने साथ ही साथ लिखा जरूर होगा, और इसी को एक बार रिवाइज और कर लेना तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। आज की वीडियो लिखने वाली थी, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिए ये सब, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।